Hey guys, so I just woke up kuch der pehle and right now time is almost, I think almost 9 and I've got my breakfast, bread, omelette and fruits. तो मुझे इसे खाना है यार, बट मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है, तो ब्रश कर लेते हैं। Hey guys, good morning again from the same room, same hotel and same city. तो आज I guess मैंने आपको बताया today is my day 11th in this particular room. तो 26th of May तक तो मैं यहाँ पर ही हूँ इस लग्जरी में, उसके बाद I have to get back to my basic, मतलब कि मुझे अपना खुद का कमरा, actually मैंने दो तीन फ्लैट शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं तो उसके बारे में बातें करनी। वैसे पिछले वाले ब्लॉग में ना मेरी कॉफी ठंडी हो गई थी व्लॉगिंग के चक्कर में, बट आज वो मैं अपने ब्रेकफास्ट साथ होने नहीं दूंगा। अभी पता है जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ इन पर्टिकुलर, तो मुझे हॉस्टल लाइफ वाली जो मेमोरीज है ना वो बहुत याद आती है, बिकॉज हॉस्टल में खाना मैं इसका बहुत बेकार होता था, बट चार की टेबल में जब 8 जन बैठ करके खाना खाते थे ना, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी मजा होता था, मस्ती मजाक गाली गलौज चल रही होती थी, तो वो एक्सपीरियंस काफी मजेदार होता था। बट अभी 5 स्टार में बैठ के 5 स्टार वाला खाना खा रहा हूँ बट अकेला हो तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अजीब सा है और अभी मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ये चीज परमानेंट होने वाली है। तो अगर आप अपने हॉस्टल लाइफ में हो, हॉस्टल वाले फेज में हो, तो जितनी मस्ती करना है, जितना बवाल मचाना है मचा लो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उस तरह की मस्ती उसके आगे की लाइफ में पॉसिबल होती है। जस्ट एंजॉय योर टाइम अगर आप हॉस्टल वगैरह में हो, क्योंकि ये चीज का एक्सपीरियंस बहुत ही इनकम्प्लीट सा है। रह रहे के ना बोर सा लग रहा है। हाँ, सेवन फ्लोर ओपन है ना सर थोड़ा। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम अपार्टमेंट में जा सकते सर, अपार्टमेंट में भी ओपन है। फिल्म तो रूम क्लीनिंग हो चुकी है और जो रूम क्लीन करने के लिए आते हैं पर्टिकुलरली बेड, वो इस तरीके से बनाते हैं ना कि इस पे बैठने से पहले मुझे सोचना पड़ता है यार ये गंदी हो जाएगी, ये बिगड़ जाएगा पूरा। अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का नजारा। सो देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन हैदराबाद। 12 तारीख से ही लॉकडाउन थी और वो 22nd तक थी, बट अभी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है पूरे महीने के लिए, लाइक 30th तक के लिए। अब ऑब्वियसली इतना ज्यादा सन्नाटा बाहर अच्छा नहीं लगता, बट यही एक चीज है जिससे सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल आएगी। हाँ जी, नहाना और खाना दोनों चीजें मेरी हो गई हैं और अभी ऑलमोस्ट 2:15 हो चुके हैं। अच्छा, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है नहीं, बट वॉशरूम में ही सारे अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज आते हैं और अभी मेरे दिमाग में भी एक चुल मची है। एक्चुअली कल शाम में मैं गया था मिड टेरेस पे, आई थिंक 7th फ्लोर पे, और वहां से जो व्यू था यार बहुत ही ज्यादा ऑसम था। तो अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आज फिर से ऊपर टेरेस पे जाते हैं, बट इस बार ऐसे नहीं, ड्रोन को लेकर के जाते हैं। ड्रोन मैंने कैरी किया वैसे और ड्रोन उड़ाए हुए मुझे काफी ज्यादा वक्त हो गया, तो ऊपर जाकर के ना ड्रोन को जरा हवाई यात्रा में भेजेंगे और देखेंगे ऊपर से कैसा व्यू मिलता है, क्योंकि उस वाले हाइट से ऑलरेडी बहुत अच्छा व्यू था, तो उसके भी ऊपर कुछ अलग ही लेवल के गेम्स होने वाले हैं। अभी खैर बहुत ज्यादा धूप है, 4:30 बजे गोल्डन आवर के टाइम पे जाकर देखते हैं ड्रोन फ्लाई करते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, अगर पॉलिसी हमारे फेवर में हुई तो ड्रोन जरूर फ्लाई करेगी। अच्छा, लास्ट वाले ब्लॉग में ना मुझे आपको एक चीज दिखानी थी। दिस इज अ लैपटॉप फ्रॉम HP जो कि मुझे कंपनी ने दिया है, तो मैं कुछ दिन पहले गया था इसे कलेक्ट करने के लिए ऑफिस में। इसको मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाने का प्लान किया था, बट फिर मुझे लगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो एक बहुत बेसिक सा लैपटॉप मुझे मिला है। ऑलराइट, तो ये है बैग और इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। बैग वैसे काफी अच्छी दे रखी है, तो अभी आपको अनपैक करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो ये एक डब्बा है, इसमें बेसिकली एक माउस है HP की, इसमें चार्जर है, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक लैपटॉप फ्रॉम HP। तो ये एक बहुत ही हाईली सिक्योर्ड लैपटॉप है, i3 प्रोसेसर और 4GB रैम के साथ, काफी बेसिक है और काफी लाइट वेट है, तो ऑफिशियल सारे काम मेरे इसमें होने वाले, कोई भी पर्सनल काम इसमें नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, कंपनी ने मुझे लैपटॉप दे दिया, क्योंकि अभी के सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लैपटॉप का काम बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ऑफिस में भी लैपटॉप से बहुत ज्यादा काम होने वाला है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे मेन लैपटॉप पे ज्यादा वर्कलोड पड़े, ऑलरेडी उसकी हालत थोड़ी खराब सी हो गई है। सो या दीज वेर द थिंग्स जो कि मुझे मिला है, एंड द बैग इज रियली ऑसम। अच्छा, बहुत से लोग मेरे से कमेंट में या DM में पूछ रहे हैं कि आपकी प्लेसमेंट किस कंपनी में है, तो यार देखो ये चीज को मैं थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता हूँ। आई यूजुअली शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस, बट ये वाली एक ऐसी चीज है ना, ये मेरी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, मैं भी अपनी पैशन और प्रोफेशन को थोड़ा सा अलग अलग रखना चाहता हूँ। सो उस चीज को मैं इधर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये चीज उस पर इंपैक्ट करे। कभी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ बताकर कोई इशू नहीं होने वाला है तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ कुछ चीजें रहती है, दैट इज द रीजन की अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ओपनली सोशल मीडिया पे। Alright, so it's 5 in the evening and I'm going to the terrace. By the way, meet my colleague and my friend Savio. So, अभी मैंने Savio को बुला लिया। By the way, Savio इस वाले कमरे में रहता है, तो अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे। तो मुझे अकेले जाने में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने बोला कि भाई थोड़ा आ जाओ।
ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो टेरेस पे मैं और सैवियो हम दोनों आ चुके हैं। यहाँ पे दो चार लोग हैं तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ड्रोन निकाले में। इन पर्टिकुलर ब्लॉग करने में ऐसे कुछ मुझे दिक्कत नहीं, बिकॉज कैमरा निकलती मैं बिल्कुल अलग जोन में आ जाता हूँ, तो ब्लॉगिंग में कर सकता। बट द ओनली प्रॉब्लम इज अभी ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड कर नहीं सकता, तो जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो द प्लेस इज ऑल एम्प्टी, सिर्फ दो लोग बैठे हैं मेरे राइट साइड में एंड दे आर क्वाइट फ्रेंडली, तो उनके सामने मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी ड्रोन उड़ाने में। तो अभी यहाँ है ना कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ से कल शाम में मैं आया था, स्टोरी बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, अगर आपने देखा होगा फॉलो करते हो तो लाइटें जल रही थी सारी बिल्डिंग्स की, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और अभी भी अच्छा लग रहा है ड्रोन से। तो ऑब्वियसली आपको एरियल व्यू देखने में किसी भी चीज का काफी अच्छा लगता है। हमारे नए मित्र भी यहाँ बैठे हैं सैवियो, तो लकीली ये भी रांची से ही है, तो इनसे मैं मिला और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ऐसा करते हैं ड्रोन को जरा बैग से बाहर निकालते, काफी टाइम हो गया मुझे ड्रोन उड़ाए हुए, और बाकी परमिशन वगैरह मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ इश्यू हो सकता है। तो या जो ड्रोन उड़ाने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ एक मैंडेटरी कोट, आप बोलो रांची बॉय ऊपर से आ रहा है, लेकिन अब शायद इसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा, रांची बॉय हैदराबाद में ऊपर से आ रहा है। ऑलराइट गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम द एरियल व्यू। अगर आपको अच्छा लगा ना मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और मैं यहाँ जरा इसे क्या कहते हैं लॉबी पाथवे, मैं यहाँ पाथवे में हूँ अभी, तो इसलिए मैं जरा धीरे धीरे बात करूँ। बट ड्रोन शॉट यार मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगे जो मैं देख रहा था फोन पे। और सैवियो तुम्हें कैसा लगा? अरे ये एक नंबर है, सॉलिड है भाई, जरूर देख। तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। अभी मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ बिकॉज अभी लोग आने शुरू हो गए थे, फटाफट से मैंने पैक किया, तो अभी बैक टू रूम। और अभी घर जो मैं लेने वाला हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअली फ्लैट है, किस तरह रखता है। ऑलरेडी सो बैक टू रूम, और वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया था कि 26 तक मैं इस होटल में, उसके बाद मुझे चेकआउट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे अपनी खुद की अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने कुछ तीन चार फ्लैट्स देख के रखे थे, बट एक ऐसी फ्लैट है जो कि मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। तो बात कुछ ऐसी है, 26 को मैं यहाँ से चेकआउट करके जाऊँगा अपने मामा के घर, और जो मैंने फ्लैट देख रखी है ना वो मेरे मामा के घर से हार्डली लाइक 50-60 स्टेप्स, तो एक मिनट के आसपास का टाइम लगेगा अगर मैं वहाँ पैदल जाऊँगा। तो मैंने बाजू में ही फ्लैट ले लिया, दे एक्चुअली वॉन्टेड मी टू स्टे विद देम, बट फिर मेरे को थोड़ी अपनी स्पेस भी चाहिए थी, यूट्यूब वगैरह सब कुछ है तो थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए था, बट मुझे एट द सेम टाइम फैमिली से भी क्लोज रहना था। बट अभी एक छोटी सी दिक्कत है, वैसे कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे था कि फ्लैट ऐसे जगह लूँ जहाँ मैं अपने मामा मामी से क्लोज रह सकूँ, नानी से क्लोज रह सकूँ, तो वो वाली मेरी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई है। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गया ना कि वहाँ से जो मेरी ऑफिस है दैट इज लाइक 15 किलोमीटर, तो मुझे पर डे 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर आना करना पड़ेगा। खैर अभी वर्क फ्रॉम होम है, उसके बाद फिर ये वाली प्रोसेस मुझे करनी पड़ेगी। बट फैमिली से नजदीक हूँ तो मैंने सोचा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, फैमिली के नजदीक रहना इज माई प्रायोरिटी। तो जो फ्लैट मैंने देख के रखी ना दैट इज अ 2 BHK फ्लैट, बट उसमें डाइनिंग रूम नहीं है, बाकी सब कुछ जो भी है मतलब 2 बेडरूम किचन एंड 2 वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग, एंड इट हैज गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ लाइटिंग फॉर माय यूट्यूब वीडियोस, तो ये भी एक चीज मुझे देखनी थी। तो यार दिस इज द सीन ऑफ माय न्यू फ्लैट इन हैदराबाद। अब ऐसा है कि वो फ्लैट सेमी फर्निश्ड है, रेंटल पर्पज के लिए बनी है, तो मुझे अभी इसको पूरी तरीके से सेटअप भी करना है, तो अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। वैसे कॉन्टेंट से मुझे याद है कि आपके लिए एक सरप्राइज है, मतलब मेरे लिए भी वो एक तरीके से बहुत खुशी वाली चीज है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बट अभी नहीं, एक या दो ब्लॉग के बाद जब वो चीज कंफर्म हो जाएगी, बिकॉज अभी बता दूंगा और कुछ फंगा हुआ तो सरप्राइज बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पहले कंफर्म हो जाता हूँ, बट चांसेस आर देयर कि वो हो ही जाएगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको अपडेट दे दी अपने घर के बारे में ड्रोन शॉट वगैरह देख के, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक बटन, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर। तो ये होती है ब्लॉगर की लाइफ, ब्रश करने में तो 5 मिनट लगेंगे, बट कैमरा सेट करने में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा।